Hello friends, Mukesh Singh into CNG business for last 24 years, located in West Delhi in Pashchim Vihar and Swan Park, and we are government authorized. दोस्तों आज जो गाड़ी लेके आया हूँ दिस इज़ Hyundai Accent, मतलब आई विल शो यू माय वर्कमैनशिप, ज़बरदस्त फिटिंग हुई है, एक एक चीज़ बताऊँगा और इसके अंदर 8 चीज़ें एक्स्ट्रा लगाया हूँ वो भी बताऊँगा। इसके अंदर ये फिलिंग वाला है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है, इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं, वन वे वाल्व भी बोलते हैं। ये रिड्यूसर है, जो भी प्रेशर पीछे से आ रहा है हाई प्रेशर में आ रहा है यहाँ रिड्यूस होके जितनी इंजन को ज़रूरत है उतनी उसी हिसाब से रिलीज़ हो रहा है। ये इसका ECU है, ब्रेन है जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंट्रोल थ्रू दिस डिवाइस, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये इसका CNG फिल्टर है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है फ़िल्टर होके जाएगी तो इंजन का लाइफ बढ़ेगा। ये सब किट में नहीं आता एग्जैक्टली, मैं लगाता हूँ ताकि गाड़ी की जो है मतलब एक तो सेफ्टी प्रॉपर रहे और दूसरा इंजन की लाइफ किसी भी तरीके से हैम्पर्ड ना हो। ये इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके उसी हिसाब से सिग्नल देती है, आपका ECM उसी हिसाब से कंट्रोल करता है। ये इसका इंजेक्टर है जहाँ से फाइनली गैस आपका पंप हो रहा है। दिस इज़ 4 सिलेंडर इंजेक्टर, प्रॉपर फिट है प्रॉपर। अब इसके अंदर जो है मैंने 5 सामान एक्स्ट्रा लगाया यहाँ पे। एक तो मैंने एडवांसर लगाया जिससे गाड़ी की पिकअप बिल्कुल पेट्रोल 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, अभी हमने ड्राइव भी लिया गाड़ी का, इट वॉज़ अल्टीमेट। फिर दूसरा इसके अंदर मैंने CNG फिल्टर लगाया, ये सब डब्बे में नहीं आता है, मैंने इसलिए लगाया ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ है फ़िल्टर होके जाए तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी। नंबर 3 इसके अंदर मैंने कोई वायर कट नहीं किया है, सारा कपलर टू कपलर है, ये सारा कपलर टू कपलर है, ये नए वाले कपलर हमारा है, ये पुराने वाला गाड़ी का है, सारा कपलर टू कपलर है, ऑल 4 सिलेंडर्स कपलर टू कपलर, नो वायर कट। इसके अंदर हमने कूलेंट कनेक्शन किया, एक्चुअली अभी तो गर्मी है लेकिन सर्दियों में दिक्कत होता है, खासकर सर्दी में किट ठंडी हो जाती, गैस जम जाता है, वो जमेगी नहीं। ये 2 पाइप आ रहे हैं, एक इनलेट एक आउटलेट, ये रहा। एडवांसर लगाया हमने, फिल्टर लगाया हमने, कपलर टू कपलर वायरिंग किया और आपका कूलेंट कनेक्शन किया। और पांचवा चीज़ इसके अंदर आप ये देखो, आपके ECU के नीचे से 48 वायर्स जा रहे हैं, ये सारे ट्रिपल एयर स्लीविंग में जा रहे हैं ताकि गाड़ी के हीट से वायर आपस में चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट की चांसेस कभी ना हो। आपको लगेगा जैसे ये देखो, ये सारा स्लीव्स जो है ये सारा हमारा स्लीव है, लगेगा जैसे गाड़ी का ही है सारा। ये देखो 5 काम हमने यहाँ किया है, 3 पीछे है, मैं दिखाता हूँ। मैं दिस इज Hyundai Accent, kg सिलेंडर हैज बीन प्लेस्ड हियर एंड सी द स्पेस, स्टेपनी अपने जगह पे है। इसके अंदर जो स्टैंड हमने लगाया है, पाइप का स्टैंड लगाया, इसके अंदर जो नट बोल्ट भी लगाया हमने, TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट लगाया। देखो ये नट बोल्ट एक्चुअली फैक्ट्री फिटेड जो CNG फिटिंग होती है उसमें लगता है, और ये स्टैंड भी उसी में लगता है। और हमने डक्टिंग किया है, खासकर कभी गैस एक्सेस आने से क्या होता है कि यहाँ से लीक होने लगता है, कभी कभार होता है, कभी भी होगा वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा, गाड़ी के अंदर नहीं होगा। देखो सिलेंडर 14 kg का सिलेंडर है, इसका वज़न काफ़ी है, इसके लिए हमें प्रॉपर स्टैंड चाहिए होता है, साथ में हमें प्रॉपर नट बोल्ट चाहिए होता है ताकि ये बॉडी कभी क्रैक ना हो। फिटिंग इज़ अल्टीमेट, स्टेपनी अपने जगह पे है, आराम से ये आपका निकलेगा। आई विल टेक अ शॉर्ट रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ द व्हीकल मिस्टर हनी। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर, ये बताएं सर आपने बहुत टाइम से आपका डिसीजन था इसके अंदर किट लगवाने का, बहुत जगह आपने सर्वे भी किया, एट द एंड यू चूज अस फॉर दिस एंड टेल मी एक्सपीरियंस। मेरा बहुत गुड एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लगा लगवा के यहाँ पे, कई जगह मैंने सर्वे भी करा लेकिन बेस्ट मुझे यहीं पे लगा।
फिटिंग कैसा रहा? फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल जैसे बताया था बिल्कुल वैसे फिटिंग करी है और ऑन टाइम दिए, जितने टाइम होता था उससे पहले ही दे दिया पर। गाड़ी एकदम पेट्रोल जैसी बिल्कुल बिल्कुल मलाई मक्खन, इट वाज अल्टीमेट एक्चुअली। आई जस्ट स्पेस भी है काफ़ी चीज़ है। मैं 2 महीने बाद आया इनके पास दोबारा चेक चुक करके जो भी है, लेकिन मुझे बेस्ट इनके यहीं से लगा। चलो आप कभी भी आए तो दोबारा जरूर आएँ, बेस्ट आए मुझे। चलो इट्स अ शॉर्ट रिव्यू, आई जस्ट इंस्टॉल, एक रिव्यू आपसे लूँगा मैं 4-6 महीने के बाद। अब गाड़ी चलाएँ, क्या एवरेज है, क्या पिकअप है, तो आई विल टेक अनदर रिव्यू। चलो इफ़ यू लाइक दिस चैनल, मैं डेली हर एक नई गाड़ियों की मैं वीडियो में डालता रहता हूँ मैं, तो इस तरह का चैनल आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक मैं क्रेटा लगा रहा हूँ मैं, दिस इज़ क्रेटा स्पोर्ट्स, इसके अंदर मैं डायनेमिक एडवांसर लगाने जा रहा हूँ मैं। आई विल शो यू, मतलब इसकी भी पिकअप जो है ना अल्टीमेट होगी। मैं नेक्सॉन देखो, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, मैं जो किट लगाता हूँ मैं आज के डेट में जो भी लगा रहा हूँ मैं BS6 के अंदर गाड़ियों के अंदर जो क्वालिटी देना चाहिए वो क्वालिटी मैं दे रहा हूँ मैं। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर BS6 व्हीकल। अभी क्या है, डायनेमिक एडवांसर स्टैक कंपनी का और आपका यूरोप गैस का आता है, ज़बरदस्त है, मतलब गाड़ी चला के मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको इतना प्लेजर फील होगा गाड़ी में ये सब लगने के बाद। आई विल टेक अ ट्रायल इन क्रेटा एंड आई विल शो यू। चलो थैंक यू।